फिरोजाबाद जेएस विश्वविद्यालय की छात्रनी की आत्महत्या। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद स्थित जेएस विश्वविद्यालय के हॉस्टल में पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रथम वर्ष के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जाँच में आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने छात्र के कमरे की तलाशी ली है और उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जिसका नाम सुधाकर है, ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, ये अपने हॉस्टल में यहाँ रह रहा था। इसने संभवतः अपने रूम में सुसाइड किया है क्योंकि कमरा अंदर से उसमें ईंट लगी हुई थी। इसी के साथ ही जो हॉस्टल के लोग हैं उनके पास किसी ने फ़ोन किया इसके रूममेट ने कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इन्होंने जाके देखा, उसके बाद इसने सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने बॉडी को यहाँ से रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रूम की विधिवत तलाशी ली गई है। इसके जो मोबाइल फ़ोन है वो उसको भी उसका डाटा भी रिकवर किया जा रहा है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस घटना का कारण क्या है और पोस्टमार्टम के बाद जो भी स्थिति होगी उसी के अनुरूप इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया पुलिस किस जांच पर पहुंची है? जैसा मैंने बताया, प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और पोस्टमार्टम के बाद स्थिति और भी स्पष्ट होगी। थैंक यू।